सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के फ़ोटो प्राइवेट कैसे कर सकते हो, किसी से छुपा कैसे सकते हो। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैं अपनी गैलरी को ओपन करता हूँ, जैसे कि मेरा कोई फ़ोटो है, जैसे कि मेरा ये फ़ोटो है, जैसे कि मेरा ये फ़ोटो है, मैं इसे प्राइवेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इस पर 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और सेट एज प्राइवेट कर दूँगा। मेरा फ़ोटो प्राइवेट हो चुका है। अब ये मेरा फ़ोटो प्रॉपरली हाइड हो चुका है। अगर आपको फ़ोटो देखना है ये कहाँ गया, तो सेटिंग को ओपन करें और सर्च बार पर क्लिक करें प्राइवेट सेव। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेट सेव आ रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है आप प्राइवेट सेव प्राइवेसी वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आ रहा है प्राइवेट सेव, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आपका यहाँ पे पासवर्ड भी लग जाता है कि कोई देख ना ले। तो यहाँ पे देखो ये भी आ रहा है फ़ोटोज़, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स और अदर जो भी आपको यहाँ पे मतलब जो भी प्राइवेट रखना है अपने फ़ोन में किसी से छुपा के, या तो आप यहीं पे रख सकते हो और वहाँ से जाके उसे प्राइवेट सेव कर दो। यहाँ पे आके वो अपलोड हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फ़ोटोज़ पे और देखो जो मैंने अभी प्राइवेट किया था वो फ़ोटो यहाँ आ चुका है, मेरी गैलरी से सीधे यहीं पे आ चुका है। तो अगर मैं इसे हटाना भी चाहूँगा तो यहाँ से स्टेटस पब्लिक कर दूँगा तो यहाँ से फिर से गैलरी में पहुँच जाएगा। जैसे कि मुझे कौन से उसमें करना है फोल्डर में, तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। जैसे कि मुझे फेसबुक वाले में करना है तो फेसबुक वाले में एक है, मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा और सीधा फेसबुक वाले में देखेंगे। फेसबुक वाले में देखो ये मेरा फ़ोटो आ चुका है। तो कैसी लगी वीडियो?